और दोनों ही आपस में अपने नाम के प्रूफ किस तरह का प्रदर्शन करेगी ये तो फिर आज समय बताएगा। अहमद तैयार है, कोटे का पहला टीम का पहला ओवर लेकर सेमीफाइनल मुकाबले की पहले सेमीफाइनल मुकाबले की पहली गेंद देकर और सामने है इधर बल्लेबाज रिंकू। फिलहाल रिंकू दौड़ना प्रारंभ रिंकू के लिए दौड़ना प्रारंभ किया अहमद ने पहली गेंद रिंकू के लिए। ये गेंद आप स्टंप से बाहर गिरने के बाद थोड़ी बाहर और निकली, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अहमद के द्वारा। शुरुआत बहुत अच्छा आपके सामने मान सिंह शहजाद रिंकू यादव प्रदीप यादव। तो सी बेकर सलेमपुर ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये गेंदबाजी करने का निर्णय इनका कहां तक सही साबित होगा। ये फिलहाल अहमद की गेंद तय करेगी, दौड़ना प्रारंभ किया विकेट पर पहुंचे उनकी ये गेंद और अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई और अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया है। दोनों ही बाजुओं को हवा में लहरा के संकेत दे दिया है कि ये अतिरिक्त गेंद है, खाता खुलता हुआ इस अतिरिक्त से जो गहरा आजमगढ़ टीम का अकाउंट शुरू होता हुआ पहला रन अतिरिक्त के साथ। फिलहाल अहमद हमारे तरफ आते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे उनकी ये गेंद, फिर से अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी। गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद, फिर से अतिरिक्त का इशारा, एक और वाइट अहमद की। फिलहाल इस समय लगातार दो गेंदों पर दो वाइट, दिशाहीन गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रही है अहमद के द्वारा। अहमद दौड़ना प्रारंभ कर ये गेंद काफी अच्छी गेंद, ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद कही जाएगी क्योंकि गिरने के बाद बहुत बाहर निकलती हुई गेंद बल्लेबाज रिंकू के शरीर के पास से निकलती हुई गेंद दंदनाती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, दो अतिरिक्त से स्कोर अभी भी दो रन वो भी अतिरिक्त से बने हैं। फिलहाल इस समय अहमद फिर से अगली गेंद देकर सामने है बल्लेबाज रिंकू, ये गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया, दस दस ओवरों का ये मैच खाता तक नहीं खोलने दिया रिंकू यादव का। अहमद ने बिल्कुल उनके पीछे से गेंद स्टंप पे घुस गई और इस तरह से जब तक पलट के देखते इनकी गिल्लियां बिखर चुकी थी और ये पवेलियन वापस आते हुए। बिना कोई रन बनाए शून्य पर आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए रिंकू यादव, काफी उम्मीद थी दर्शकों को रिंकू यादव कुछ अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे रन बनाएंगे, लेकिन खड़ा नहीं उतरे यहाँ के दर्शकों को बिल्कुल निराश किया सभी दर्शकों को और वापस आते हुए रिंकू यादव। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण जो सीधा ग्राउंड से किया जा रहा है जफर एंड जेड आजमगढ़ और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, आप लोग फेसबुक आईडी खोल के इस आईडी से आप सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल इस समय नए बल्लेबाज बिट्टू गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अहमद की गेंदों का सामना करेंगे। दौड़ना प्रारंभ किया अहमद की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंद, एक हल्की सी अपील हुई है लेकिन नकारा हमारे एम्पायर ने, इस अपील पे कोई विश्वास नहीं केवल उत्साह बिल्कुल। एक अच्छी गेंदबाजी इस समय अहमद के द्वारा, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है निश्चित तौर से कप्तान के भरोसे में बिल्कुल खड़ा उतरा है अभी तक अहमद ने। ये गेंद रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद जाके उनके सर से टकराई, रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी रुका हुआ अतिरिक्त के सहारे जो दो रन बना है वही दो रन पे पहला झटका लगा था रिंकू के रूप में। अभी भी खाता खोलना बाकी बल्लेबाज बिट्टू का। फिलहाल अहमद फिर से तैयार हो रहे हैं उत्तरी छोर से गेंदबाजी करते हुए, इस बीच ये गेंद शॉर्ट पिच पे लिया, उसको पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं और गेंद उनके बिल्कुल कान के पास से दंदनाते ही चली गई विकेट कीपर मुआन के हाथों में। कोई रन नहीं पहला ओवर,
अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए तो ये मेडन विकेट ओवर कहा जाएगा अहमद का। एक बड़ा विकेट हासिल किया था इसमें रिंकू यादव का। अहमद भाई के ये पहला मेडन ओवर भाई। रिंकू यादव के आउट हो जाने के बाद काफी जिम्मेवारी प्रदीप यादव के ऊपर हो गई है, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं, ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? गेंदबाजी करने आ रहे हैं इस समय, सामना करेंगे प्रदीप यादव। शी ब्रेकर सलेमपुर वर्सेस आजमगढ़ के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। शी ब्रेकर सलेमपुर वर्सेस आजमगढ़, जीतने वाली टीम को 21,000 कैश से 3 एंट्री टूर्नामेंट है। नए गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, गेंदबाज अगर ओसामा हो तो हाथ उठाएं। ओसामा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कोटे का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर सामने है बल्लेबाज प्रदीप। ये पीछे रहे, फिलहाल इस समय प्रदीप सामना करेंगे। खाता खोलना भी इनको पहली गेंद का सामना करेंगे इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। इसके बाद एक और जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा। ओसामा की गेंद, अच्छी गेंद, काफी उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर अशोक यादव का। अतिरिक्त के साथ एक और रन बढ़ता हुआ। ये तीनों जो रन बने हैं वो वाइड के सहारे से बने हैं, तो वाइड के सहारे खाता खुला था और अभी तक 3 रन एक ओवर की समाप्ति पे, एक विकेट गवाई है इस 3 रनों को वाइड के सहारे जो बना है उसमें। फिलहाल इस समय ओसामा की गेंद, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद कही जाएगी और फिर से वाइड का इशारा अंपायर का, अशोक यादव का। अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज प्रदीप। ये गेंद और निश्चित तौर से नो बॉल का इशारा अंपायर का। और फिर हिट होगी ये गेंद, 4 रन इस नो बॉल के सहारे। बल्ले से अभी तक गेंद टच नहीं हुई है, ये किफायती गेंदबाजी कही जाएगी। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का यह निर्णय सही साबित होता हुआ अभी तक नजर आया। फिलहाल इस समय ओसामा की गेंद, अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, बिल्कुल यॉर्क लेन की गेंद, विकेट कीपर से मिस हुई और गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर चली गई 4 रन के लिए। नहीं, 4 रन भाई। अभी तक बल्ले से खाता नहीं खुला है आजमगढ़ की टीम का। जोगहरा आजमगढ़ की टीम जो है उसका अभी तक बल्ले से खाता नहीं खुला है और बल्ले से संभवतः गेंद भी टच नहीं हुई है। तो ये काबिले तारीफ गेंदबाजी, टॉस जीतने के बाद नित्यान कंपनी ने जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया ये अभी तक सही साबित है। ये गेंद इस बार बिल्कुल संपर्क हुआ गेंद और बल्ले का, और जब संपर्क होता है प्रदीप के बल्ले से तो गेंद निश्चित ही बाउंड्री लाइन से बाहर नजर आती है। वही हुआ, गेंद सीधे 6 रनों के लिए और छक्के से खाता खोला प्रदीप ने। ये जता दिया कि हम जिस तरह से खेलते हैं हमें विकेटों का कोई असर होने वाला नहीं है, विकेट गिरता जाए हम उसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। छक्के से खाता खोला प्रदीप ने, इनके टीम का स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 15 रन। फिलहाल इस समय 15 रन, दूसरा ओवर। ओसामा की गेंद प्रदीप के लिए, ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार स्लो डिलीवरी गेंद, किसी तरह अपने आप से ठकेला बल्ले से लगाया, गेंद गई शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे, उधर खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस समय 15 रन एक विकेट के नुकसान पे, काफी खर्चीला ओवर साबित होता हुआ। प्रदीप सामना करेंगे, ये गेंद, ये अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। नहीं आया भाई। फिलहाल ओसामा की गेंद प्रदीप के लिए, ये अच्छी गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है, गेंद संभवतः एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। 4 रन प्रदीप का, ये निकलते हुए दूसरी बाउंड्री, पहला चौके के साथ इस तरह से एक और बाउंड्री आती हुई प्रदीप के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा।
19 रन। दूसरा ओवर प्रगति के टोटल स्कोर 19 रन भाई, अभी भी इनकम्प्लीट ओवर चलता हुआ ये दूसरा। फिलहाल इस समय ओसामा फिर से प्रदीप के लिए गेंद करेंगे, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं और बचा हुआ काम विकेट कीपर नुआन ने पूरा किया। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 19 रन जो हरा आजमगढ़ का, 19 रन एक विकेट गवाई है इस 19 रनों को बनाने में। टॉस जीतने के बाद पहले आप लोग जीते लोग देख रहे हैं गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और स्टार भी बेचते और निश्चित तौर से वो निर्णय पहले ओवर में बहुत सही साबित हुआ था लेकिन दूसरा ओवर कुछ महंगा साबित हुआ था, खर्चीला साबित हुआ था ओसामा का, लेकिन अतिरिक्त के रूप में मैच हो रहा है देवरिया में भाई। इस बीच हवा में गेंद और एक और विकेट गिरता हुआ, बहुत आसान तो नहीं था लेकिन बहुत शानदार कैच वहां पे स्क्वाड लेग एम्पायर के बगल से जो खिलाड़ी खड़ा था काफी दूर दौड़कर इस कैच को पकड़ा, जो कैच नहीं होने चाहिए थे उसको कैच में तब्दील किया। ये होती है अच्छे क्रिकेट की पहचान, अच्छे खिलाड़ियों की पहचान। अगर आप हेलो एक और झटका लगता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ इस समय जो गहरा आजमगढ़ की टीम को शहजाद ने इस कैच को लपका, बहुत कठिन कैच को आसान बनाया। अब इस क्षेत्र के बूम बूम कहे जाने वाले खिलाड़ी विनय यादव जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। डिक्स ट्रॉली मैदान पे ली जाए, फिलहाल अहमद अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अहमद के द्वारा, दूसरा सफलता प्राप्त किया अपने टीम के तरफ से अपने खाते में भी। फिलहाल विनय सामना करेंगे इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में, पहली बार विनय अहमद की गेंदों का सामना करेंगे इस टूर्नामेंट में। फिलहाल अहमद दौड़ना प्रारंभ किया, उत्साह के साथ गेंदबाजी करेंगे क्योंकि विकेट प्राप्त की थी पिछली गेंद पे। ये गेंद संभवतः गेंद बल्ले का किनारा लेके गई थी लेकिन एक टप्पे के बाद उधर खिलाड़ी जितेंद्र मौजूद है उन्होंने फील्ड कर लिया, रन बनाने की सारी संभावनाओं को समाप्त किया। अहमद अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अहमद के द्वारा, बिल्कुल अपने कप्तान के इस फैसले पे खरा उतरते हुए अहमद दौड़ना प्रारंभ किया, उतनी छेड़ से गेंदबाजी करते हुए विकेट पे पहुंचे। ये गेंद और खेला है निश्चित तौर से गेंद जा रही है इस वाले गेंदबाज के बगल से, उधर सेवाद दौड़ रहे रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए पलट चुके हैं और इस तरह से बाद अंपायर का इशारा आता हुआ चार रन। तीसरा ओवर चल रहा है टोटल स्कोर तो चौके के साथ विनय ने खाता खोला, अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 23 रन, 19 में रुका हुआ था अब जाके स्कोर में इजाफा हुआ 23 रन स्कोर जा पहुंचा। तीसरे ओवर का मैच खेला जा रहा है, दो विकेट गवाई है इस तीसरे ओवर में, दो दो भाई दो। फिलहाल इस बीच अहमद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू मिनाज भाई, एक छोटा बच्चा ड्रिंक्स लेके गया था उसके बाद पुनः फिर से खेल शुरू होता हुआ। चुरकी वाले बाबू थोड़ा जल्दी आइए, फिलहाल ये गेंद उछाल लेती हुई गेंद और निश्चित ही काफी दिशाहीन गेंद कही जाएगी, वाइट का इशारा अंपायर का और चेतावनी भी दी गई है एक बाउंस की। अब्दुल अहमद थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए। ये गेंद और बल्ले का अंदरूनी किनारा, बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच नित्या का, बहुत ही शानदार कैच,
बिल्कुल हवा में गोता लगा के इस कैच को पकड़ा, बिल्कुल चीते की तरह छलांग लगाई और इस तरह से एक और विकेट, पुणे का विकेट इस समय गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा नित्या ने। कैच पकड़ने के बाद उतना खुश नहीं होंगे क्योंकि एक दुखद खबर है इनके घर से, इनके दादाजी आज एक्सपायर कर गए। तो मैं विलोम आत्मा को शांति देने का प्रतीक करता हूं कि वो जहां भी उनकी आत्मा हो शांति प्रदान करें। फिलहाल इस समय परवीन आए हैं जो कि गेल के नाम से जाने जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुकेश गुप्ता थैंक यू सो मच भाई, तो हिम्मत पूरी तरह से छोड़ के रख दिया है इस समय जो हरा आजमगढ़ की टीम को। तीन जो बल्लेबाज थे, तीनों बल्लेबाजों को बिल्कुल अकेले अपने दम पे आउट किया है। फिलहाल इस समय प्रवीण गए हैं जो कि बल्लेबाजी करने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद खेला है, उधर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड कर लिया। नो बॉल का इशारा अंपायर का, ये फ्री आउट हो गया भाई। लाइन एंड क्रॉस किया था, उसके अंपायर अंकुर मिश्रा के निगाहों से बच नहीं सकते, तो फ्री हिट वाली गेंद होगी। ये फ्री हिट का इशारा कर दिया है अंपायर ने और प्रवीण को एक तोहफा मिला है इस फ्री हिट का, खाता खोलने का इनके टीम के लिए, एक रन बढ़ाने का। फिलहाल इस समय ये गेंद फ्री हिट का फायदा उठाया बल्लेबाज प्रवीण गेल ने, खेल दिया सीधा स्टेट बाउंड्री बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के से अपना खाता खोला, अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब प्रदीप और गेल की जोड़ी, दोनों ही बल्लेबाज इस समय, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अहमद। ये गेंद समझौता हवा में है, इधर खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और नवीन से कैच समझौता नहीं छूटता। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नफीस खान थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार भेजने के लिए, ये नो बॉल है भाई, बहुत बड़ा जीवन दान कहा जाएगा प्रवीण के लिए। थैंक यू सो मच सोनू यादव भाई, फ्री हिट और इसी के साथ 4 रन। हाँ जी आराम से खेलेंगे, हेलो, ये मैच देवरिया में हो रहा है, देर के लिए ट्रांजैक्शन टूटा हुआ था इसलिए हम कैप्टन नहीं सुना पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस बीच एक चौका लगा था गेल के बल्ले से, तो चौके की मदद से जो स्कोर बढ़कर हुआ था इस समय। सैतीस रन, 3 विकेट के नुकसान पे।
फिर आलस्य में राजन खान रमजान खान थैंक यू सो मच भाई। गेंद सामना करेंगे नए गेंदबाज गेंदबाज नहीं अगर उसामा है तो हाथ उठाए जी। अपने कोटे का दूसरा ओवर खर्चीला ओवर साबित हुआ था। फिलहाल ये गेंद काफी उछाल लेती हुई गेंदें आ रही हैं इनकी। एक बाउंस की चेतावनी मिली है व्हाइट का इशारा किया था अंपायर ने अतिरिक्त सहारे एक और रन बढ़ता हुआ भाई मनोज भाई दोनों सेम है। 38 रन फिलहाल उसामा फिर से तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी तो बहुत बेहतरीन हो रही है लेकिन अतिरिक्त पे काबू नहीं पा रही है सी ब्रेकर सलेमपुर की टीम। फिलहाल इस समय उसामा की गेंद परवीन के लिए ये गेंद इस बार की गेंद अच्छी थी और प्लेन की गेंद थी हल्के हाथों से खेल के रन चुराया बल्लेबाजों ने एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 39 रन। चौथा ओवर चल रहा है तीन विकेट गवाई है इस 39 रन को बनाने में तीन विकेट के नुकसान पे। फिलहाल इस समय प्रदीप सामना करेंगे नहीं भाई नहीं आए हो दोनों ओसामा की गेंदों का इस बीच ये गेंद हवा में खेला है उधर खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और बेहतरीन कैच का प्रयास तो किया था लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद 4 रन। खराब फील्डिंग यहां पे जितेंद्र के द्वारा जहां आसान सा कैच था उस कैच को ड्रॉप किया की मांग कर रहे भाई। अभी मुलायम भाई बचे हैं एक जीवन दान कहा जाएगा। फिलहाल इस समय ओसामा अगली गेंद लेकर ये गेंद अच्छी गेंद खेला है गेंद जा रही है स्टेट के तरफ उधर खिलाड़ी मौजूद एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। ओवर का ये मैच नहीं भाई बाहुबली नहीं है चौथा ओवर इसमें इनकम्प्लीट चलता हुआ जो कि ओसामा के द्वारा फेंका जा रहा है। परवीन सामना करेंगे ओसामा की गेंदों का दौड़ना प्रारंभ किया उनकी अगली गेंद ये गेंद अच्छी गेंद फिर से गिरने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ आती है और नो बॉल का इशारा अंपायर का और ये फिर हिट भाई एक बाउंस की चेतावनी मिल चुकी थी कि इसके बाद अगर आप ऐसी कोई भी गेंद करेंगे निश्चित ही आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ओसामा अगली गेंद देकर फ्री हिट वाली गेंद होगी और सामने है बल्लेबाज के लिए गेंद अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी फायदा ना उठाए पाए बल्लेबाज परवीन पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज परवीन को। फर्स्ट प्राइज भाई 21,000 सेकंड प्राइज 7,000 फिर से ओसामा अगली गेंद देकर कोटे का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर ये गेंद फुल टॉस पे लिया खेला है गेंद जा रही है खिलाड़ी उधर मौजूद है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में उन्होंने फील्ड कर लिया और केवल एक ही रन बना इस एक रन के मदद से अब स्कोर बढ़कर हुआ इस समय नहीं पिच सही है 46 रन खराब नहीं है सही है। प्रदीप सामना करेंगे बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे बल्लेबाजी करने के लिए इस बार ओसामा की गेंदों का सामना करेंगे जेट को फेसबुक पे जाके अरे फॉलो करो। फिलहाल इस समय मुदस्सिर शेख डॉक्टर ओसामा की गेंद खेला है 75 स्टार खिलाड़ी मौजूद कवर बाउंड्री की तरफ उन्होंने फील्ड कर लिया थ्रो किया मौका बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का एक रन के मदद से स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 47 रन 4 ओवर की समाप्ति पर जिसमें तीन विकेट गवाई है आजमगढ़ की टीम ने। हामिद ने बिल्कुल डॉक्टर साहब कमर तोड़ के रख दी थी लेकिन उसके बाद फिर से दोनों बल्लेबाजों ने गेल और प्रदीप ने एक समझदारी भरी बल्लेबाजी की है अभी तक।
सुनील यादव, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार भेजने के लिए। अच्छा बॉल निकले जो वहां बहुत स्पीड वहां जाता है, स्पीड ना रे तो बड़ी दूसरी को कर सकता है। मोहम्मद अय्यूब, गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, गेंदबाज जितेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शुभम गुप्ता, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए। नौशाद अंतारी, थैंक यू सो मच 100 स्टार देने के लिए, एकदम बढ़िया भाई। शेख जी, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने। पहली गेंद और बहुत लंबा शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, प्रदीप का ये शॉट 6 रन। जगनेश शानी, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के। शेखर यादव, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने। राहुल कुमार, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए। मोहम्मद जैद, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के। इस समय जितेंद्र का स्वागत किया, थैंक यू सो मच भाई 75। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल 8 रन की गेंद अपनी हुई है। अंकित यादव, थैंक यू सो मच 75 स्टार देने के। जोरदार अपील। रावत, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए। रंजीत रावत, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए। अशरफ अली, थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए। आउट करार दिया गया है प्रदीप को। बल्ले का अंदर ने किनारा लिया था और सीधे विकेट कीपर नुआन के हाथों में चली गई थी। मिराज अंथारी, थैंक यू सो मच भाई 75। एक और विकेट गिरता हुआ, निश्चित तौर से अपील हुई थी और अपील पे अंपायर ने उंगली उठा दी थी और प्रदीप यहाँ पे थर्ड एम्पायर की भी व्यवस्था है जो कि दिलशान है थर्ड एम्पायर की भूमिका में, वो बताएंगे फिलहाल देखने के बाद बताएंगे। सिंध दिवस आउट करार दिया गया है लेकिन इसको क्लियर करेंगे थर्ड एम्पायर। चेक करने के लिए अरे अब समझाओ भाई, कहाँ लग के जाता। अरे दूसरे की आईडी पे देख पड़े हमने कि जो नाम ही मेरे स्कोर के लिए खेल रुका हुआ भैया, थर्ड अंपायर की व्यवस्था नहीं तो। और राजू भाई अगर वो लगा या तो चाहे तो पहुंच नहीं तो अपने बॉक्स में आए। कसम क्रिकेट का हम लगा अब ऐसे ज्यादा काम लोग करेंगे। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, डिसीजन हुआ था अंपायरों के द्वारा। अगर मेरी आवाज राजू भाई तक पहुंच रही है तो बॉक्स में आए। अरे राजू भाई आपके हम खाना खाने नहीं जाएंगे, आप कम से कम आइए तो सही। हेलो राजू भाई, अगर मेरी आवाज आपके कहने तक पहुंच रही तो यहाँ पहुंच जाइए, नहीं तो हम आपके पास पहुंच जाएंगे। अरे भैया आउट नहीं है भैया, डिसीजन चेंज क्यों होता है? अरे मुमान में जबरदस्ती आपको भाई, ये डिसीजन थर्ड अंपायर के पास चला गया, वो चेक करना चाहते हैं बैट लगी है या नहीं इसी पे। पीयूष तिवारी, थैंक यू सो मच 75 स्टार देखते तो अंपायर देखिए यहाँ पे अभी भीड़ लगी है, वही चेक कर रहे हैं। अहमद भाई और शिवम भाई, प्रतीक भाई, हेलो
लग रहा है राजू भाई डर गए हैं कि हम खाना खाने जाने वाले थे इनके घर, इन्होंने स्वीकार भी किया था। अब नकार रहे हैं कि आप हमारे घर खाना खाने मत जाइएगा, हम कमेंट्री बोलने ही नहीं आएंगे। वो चेक करें, उसमें चेक करें, आप मेरे दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहा है, आओ ते तो चेक करें। हेलो, ठीक है राजू भाई, आपके घर हम खाना खाने नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह से आप नाराज मत होइए। छोटू यादव कमेंट्री बॉक्स पे आए, नहीं मैं लाइव कर रहा हूँ अभी, लाइव क्या हुआ? छोटू यादव कमेंट्री बॉक्स पे आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कुछ देर के लिए धीरज को बुला रहा हूँ, कमेंट्री के जिम्मा संभालेंगे आप। इस मैच में क्या कुछ होगा इसका आपको देखा हाल सुनाएंगे। मेन अंपायर वहां से मना कर रहा है, फाउल दे रहा है, पूरा लगा नहीं है, धन्यवाद। सूरज भैया आज का ये दूसरा से पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो जो कहरा आजमगढ़ के बीच चलता हुआ, जिसमें कुछ दिक्कतें आई हैं जिसको थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं, उसके बाद मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। एक मिनट सभी दर्शक अपने जगह बनाए रखे, एक मिनट। माँ आज गई भी भवानी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो एक मिनट ब्रेकर सलेमपुर नाम आरसीसी आजमगढ़ के बीच खेला जा रहा है, जिसमें सिंह ब्रेकर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मैं लगाया था, मैं दिखा दूंगा, देख रहे हैं आप, दिखला दीजिए ना, बोलिए तो मैं भी दिखा दूँ। नहीं पता मुझे भाई, थोड़ी देर के लिए मैच रुकेगा फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? डिसीजन लिया जा रहा है, देखते हैं। चेक कर रहे हैं। चर्चा मांगे थे दर्शक देखने के लिए, क्यों मैच बंद है हो गया अभी, तो उसे के चेक कर रहे हैं भाई ना दर्शक भी। तो जल्दी यहाँ कैसे करें, यहाँ कैसे बोल तो ऐसे।